तो गाइस हमें माइनक्राफ्ट खेलते हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक हमारा एक खुद का सर्वाइवल वर्ल्ड ही नहीं है। तो गाइस मैंने सोचा क्यों ना आज हम अपना एक सर्वाइवल वर्ल्ड बनाएं। लेकिन गाइस मैंने सोचा सर्वाइवल वर्ल्ड तो हर कोई बनाता है, क्यों ना हम अपना एक हार्डकोर वर्ल्ड बनाएं, क्योंकि आजकल हार्डकोर वर्ल्ड बड़े ट्रेंड में चल रहे हैं और ज़्यादातर गेमर्स जो हैं वो हार्डकोर वर्ल्ड ही बना रहे हैं। तो हार्डकोर वर्ल्ड अगर ट्रेंडिंग में चल रहा है तो हम उसको बनाते हैं। ट्रेंडिंग का मतलब व्यूज़, उसका मतलब पैसा ही पैसा होगा। तो गाइस अभी हम लोग अपना सबसे पहले हार्डकोर वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्रिएट वर्ल्ड पे क्लिक करते हैं और गाइस हम अपने वर्ल्ड का नाम पहले इसको गेम मोड हार्डकोर पे कर देते हैं। और गाइस अब हम अपने वर्ल्ड का नाम जो है क्या नाम है, मैंने नाम तो सोचा हुआ है, वैसे मैंने ये नाम सोचा है हीरोज लैंड। तो गाइस आप लोग कमेंट में बताना ये नाम कैसा है। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्रिएट नाउ पे क्लिक कर देते हैं, क्रिएट न्यू वर्ल्ड पे। तो गाइस फाइनली अभी हम स्पॉन हो चुके हैं और गाइस ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग प्लेन्स में स्पॉन हुए हैं। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा बहुत एरिया वेरिया देखते हैं और यहाँ पे शीप भी है। तो अभी हम लोग को सबसे पहला काम तो वुड तोड़ना होता है, लेकिन अभी हम लोग का ये हार्डकोर वर्ल्ड है तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग को एरिया कैसा मिला है। तो गाइस हमें एरिया तो काफ़ी फ्लैट मिला है, देखो वहाँ से हमें दिख तो रहा है एरिया तो काफ़ी फ्लैट है, तो अच्छी बात है, हम लोग को ऐसा ही एरिया चाहिए था। तो गाइस जो वुड के जो टूल्स होते हैं वो मैं बनाता हूँ सबसे पहले। तो गाइस मैंने अपने सारे बेसिक टूल तो बना लिए हैं और गाइस यहाँ पे मुझे एक शीप भी दिख रही है। तो गाइस अबे हम लोगों को इसको मारना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों को वूल चाहिए और रात होने से पहले बेड बनाना पड़ेगा क्योंकि ये हार्ड मोड है और इसमें हम बहुत जल्दी मर सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले और शीप ढूंढते हैं, बस एक शीप और चाहिए जिससे हम बेड बना लेंगे और शीप मार के हमारे खाने का भी थोड़ा बहुत इंतजाम हो रहा है और इसको भी मारना पड़ेगा, हम लोग को इसको शॉट से मारना पड़ेगा। एक्स जो है पूरी घूमती नहीं है तो बहुत टाइम लेती है और रिलोड होने में भी। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे ये थोड़ा शुगर केन दिख रहे हैं तो बार बार में उठा लेंगे। तो गाइस अभी हम लोग का सबसे पहला मोटिव है कि हम लोग जो है यहाँ पे मैंने जितने भी वुड के टूल थे वो तो बना लिया और गाइस यहाँ पे अच्छा खासा फिक्स खड़े हैं, यानी हमें खाने की प्रॉब्लम कम होने वाली है यहाँ पे और एक तो इन लोग को मारना बहुत मुश्किल होता है, लोग भागते हैं। एक्स से लोग जो है ना वन शॉट हो जाते हैं, ये देखो ये लोग जो है एक्स से वन शॉट होते हैं अगर क्रिट मारे तो इनको। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे ज्यादातर फूड जमा करके आता हूँ। तो गाइस फाइनली मैंने अभी बहुत सारे यहाँ पे पिक्स मार दिए हैं और मैंने साथ ही साथ स्टोन भी जमा कोबल स्टोन भी जमा कर लिया था। और गाइस यहाँ पे मुझे एक शीप दिख चुकी है, मुझे इसी की ज़रूरत थी क्योंकि अभी रात होने वाली है और गाइस हमारे पास 3 गोल भी हो चुका है। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल लगा के यहाँ पे सबसे पहले हम लोग के लिए एक बेड बना लेते हैं। तो गाइस अब पहले आज पहली नींद लेते हैं इस रात की और गाइस अब हम लोग सो चुके हैं यहाँ पे और हमारी एडवांसमेंट भी आ चुकी है स्वीट ड्रीम की। और गाइस यहाँ पे हमारे उठने के साथ ही सुबह हो गई। तो गाइस पिछली रात जो है मैंने यहाँ पे स्टोन जमा कर लिए थे और अभी मुझे यहाँ पे इसके फर्नेस बनाने हैं, लेकिन गाइस अभी मैं 2 फर्नेस बनाऊंगा और बाकी मुझे टूल के लिए चाहिए होंगे क्योंकि अभी क्या नाम है हमें स्टोन की पिकैक्स बनानी है और अपने सारे टूल को स्टोन में अपग्रेड करना है। गाइस मैं सोच रहा था कि मैं माइनिंग के लिए कहाँ पे जाऊँ, मैं पीछे मुड़ा तो मुझे यहीं पर ही केव दिख गई, बस मेरा ये रहा फर्नेस यहाँ पे। तो गाइस हम इसी केव में चलते हैं लेकिन हमें देख के जाना पड़ेगा क्योंकि केव भी बहुत गहरी है और यहाँ पे मुझे आते ही मॉब दिख चुके हैं, स्केलेटन ने मुझे तीर मारा लेकिन उसका तीर लगा नहीं। तो अभी गाइस इन लोगों को सबको मारना पड़ेगा मुझे। गाइस बस तो एंचेंटेड हुआ है, पहले मैं सबसे पहले खाना लेके आया था भाई, ये तो मुझे बहुत बुरा मारेंगे। तो गाइस मैं सोच रहा था कि मैं नीचे कैसे जाऊँ लेकिन मुझे यहीं पर ही एक आयरन दिख चुका है, ये देखो यहाँ पे। तो अभी मैं सबसे पहले जो है ना यहाँ पे कवर बना लेता हूँ क्योंकि गाइस ये स्केलेटन के पास जो है ना एक एंशेंटेड हुआ है, ये बड़ा गंदा शॉट मार रहा है और मेरे 1-1 हार्ट जा रहे हैं डायरेक्ट। तो एक मिनट मुझे यहाँ से बंद करना चाहिए नहीं तो ये लोग ऊपर आ जाएंगे और ऊपर आके मारेंगे मुझे। तो गाइस यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अपना आयरन तो मिल चुका है और अब हम लोग यहाँ से जो है पूरा जितना आयरन हो सकता है वो निकालते हैं उससे। और गाइस यहाँ पे इसके में छोटा सा आयरन दिख रहा है मुझे अंदर
तो गाइस फाइनली अभी मैंने कम से कम 15 मिनट लगा के यहाँ पे बहुत सारा आयरन जमा कर लिया। इसी जगह पे इतना सारा आयरन था गाइस, सबसे बड़ी वेन मुझे ये मिली। आप लोग देखो मैंने कितने अंदर तक खोदा हुआ है, ये कम से कम 8 से 9 आयरन तो मुझे यहाँ पे मिल गए थे। और गाइस अभी मेरे ख्याल से वापसी से रात हो चुकी है क्योंकि मैं 15 से 16 मिनट, और गाइस मुझे कोई स्केलेटन मार रहा है, मुझे भागना पड़ेगा। ये उसका शॉट सारे गलत जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे वापसी रात हो चुकी है और मुझे वापसी सोना पड़ेगा। मैंने बेड अपने ऊपर ही लगाया हुआ है, मैं यहाँ पे बेड देख रहा हूँ। तो गाइस फाइनली हम लोग का सेकंड डे भी हो चुका है माइनक्राफ्ट अपने हार्डकोर वर्ल्ड में। और गाइस अभी मेरा यहाँ पे फूड भी कुक हो चुका है और मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोल लाया था, पहले तो उसको निकालो। अब हम लोग को जो है यहाँ पे सारा आयरन स्मेल्ट करना है और अपने आयरन के सारे टूल बनाने। तो गाइस अभी हमारा अच्छा खासा आयरन स्मेल्ट हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपने आयरन आर्मर बना लें। और आयरन आर्मर तो क्योंकि ज़रूरी है हार्डकोर में, पहली बात तो ये हार्डकोर में खेलने हम लोग। और यहाँ पे हम लोगों ने अपनी लेगिंग्स बना ली और हम लोग का फुल आयरन आर्मर हो चुका है और अभी हम लोग पूरा आयरन आर्मर चढ़ाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग को पूरा आयरन आर्मर बन गया है और गाइस अब हम लोग जो है अपने सारे टूल्स बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग केक पहले ये सारे फेंकते हैं आप। तो गाइस मैंने अपने पूरी इन्वेंटोरी जो है क्लियर कर दी है और यहाँ पे जो जितना आयरन था मैंने निकाल लिया यहाँ से। तो गाइस अब हम लोग को एक एक्स चाहिए होगी और यहाँ पे अब हमें एक स्वॉर्ड जो कि बहुत ज़रूरी है और एक पिकेक्स आयरन की, तो हम लोग ये भी ले लेते हैं। और यहाँ पे मुझे एक शील्ड भी चाहिए होगी, लेकिन शील्ड के लिए हमें हाँ प्लैंक्स चाहिए, तो प्लैंक्स बनाने पड़ेंगे। पहले हमें जो ना यहाँ पे प्लैंक्स बनाने के बाद एक शील्ड भी बना लेता हूँ मैं। और तो गाइस हमें यहाँ पे कुछ भी चाहिए होगा, हाँ एक शवल भी बना ही लेते हैं। तो जब इतना सारी चीज़ें पड़ी हुई तो हम शवल बनाने में क्यों कंजूसी करें। तो यहाँ पे एक मैंने शवल भी बना लिया है। तो गाइस हम लोग के पूरे आयरन के टूल और हमारी शील्ड भी हो चुकी है जो कि हमें उल्टे हाथ में लेनी है। और यहाँ पे गाइस हम लोगों ने पूरा आयरन आर्मर तो बना लिया है विद इन, हम लोगों ने मतलब 40 मिनट्स में बना लिया होगा ज़्यादा से ज़्यादा जो है। तो आ चुके गाइस इस वीडियो का गोल है कि मैं पहले ही एपिसोड में क्या नाम है डायमंड आर्मर बना, तो देखते हैं गाइस हम लोग ये कर पाते नहीं कर पाते। तो अभी हम लोग सबसे पहले डायमंड आर्मर बनाने के लिए तो मुझे आयरन की पिकैक्स चाहिए थी जो कि मैंने बना लिए। तो अभी गाइस हम लोग को सबसे पहले डायमंड माइनिंग करने ही जाना होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर देते हैं। वैसे रिस्पॉन पॉइंट सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम मर गए तो एक भी दफ़ा स्पॉन नहीं हो पाएंगे इस वर्ल्ड में। तो अभी हम लोग सारी चीज़ें उठा लेते हैं अपनी। और गाइस हम लोग अभी क्या नाम है डिक डाउन करते हैं वाई लेवल कितना वाई लेवल होता है 12 पे जाने के लिए, क्योंकि 1.18 नहीं है 1.17 है, तो इसमें 12 भी होता है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। उसमें 58 होता है, -58 मेरे ख्याल से, -58 होता है, हाँ सॉरी -58 होता है। और गाइस यहाँ पे क्रीपर है और शील्ड, तेरे को डर नहीं लगता बेटा? हमारे पास कुछ नहीं कर पाओगे, हमने अपनी शील्ड यूज़ करी है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे वाई लेवल 12 पे चलते हैं, सॉरी 12 क्या बोलो 12 पे चलते हैं और मैं वाई लेवल 12 पे जाके आपको मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग जो है वाई लेवल 12 पे आ चुके हैं और गाइस आते आते मुझे यहाँ पे थोड़ा सा और भी आयरन मिल गया था ऊपर हमें। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे वाई लेवल 12 पे आ चुके हैं और ये डायमंड ढूंढने के लिए बेस्ट जगह है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिप माइनिंग करता हूँ, स्ट्रिप माइनिंग ज़्यादा बेहतर रहेगी हम लोग के लिए क्योंकि अभी हम लोग के पास इतने रिसोर्सेस नहीं है। और गाइस यहाँ पे ये जो बड़े मुश्किल से टूटते हैं ब्लॉक, ये मुझे अच्छे नहीं लगते, मतलब ये लुक वाइज अच्छे होते हैं लेकिन जब डायमंड ढूंढते होते हैं बड़ी देर में टूटते हैं और पिकेक्स की एचपी भी इतनी लेते ना ये, तो मतलब बड़े मजबूत होते हैं ये ब्लॉक। तो अभी हम लोग सबसे पहले इनको तोड़ते हैं सारे ब्लॉक्स को, और मैं अभी शील्ड का कोई काम नहीं है तो मैं टॉर्च हाथ में रख लेता हूँ और अभी हम लोग सबसे पहले ये भी हटा देते हैं। और गाइस अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमें डायमंड मिलता है। तो गाइस मेरे से अभी जितनी पिकेक्स हो सकती थी मैंने बना ली है यहाँ पे, मैंने 3 पिकेक्स बना लिए। पहले तो जो पिकेक्स वो है मतलब ज़्यादा इसमें उसकी गई है, उसको हम लोग तो पहले ख़त्म करते हैं। तो अभी हम लोग वापसी अपनी माइनिंग करते हैं। और गाइस यहाँ पे डायमंड आ चुका है गाइस, इतनी देर के बाद कम से कम मैंने वो देखो, वो तो एंड तो दिख भी नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन हाँ मैं वैसे 1.17 के हिसाब से बहुत जल्दी मिल गए। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं कितने डायमंड हैं, पहले ये नहीं तोड़ना है। और गाइस यहाँ पे अच्छे खासे डायमंड हैं, कितने डायमंड हैं अभी ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 4 डायमंड है गाइस,
लेकिन ये पहले पहला हमें डायमंड मिला है उसके हिसाब से सही है। तो गाइस अभी हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे डायमंड ले लिए, तो गाइस अभी हम लोग और रुकेंगे नहीं आगे, तो अभी हम लोग और डायमंड जमा करते हैं सबसे पहले। गाइस मुझे अभी एक घंटा हो चुका है माइन करते करते और मेरे पास अभी 46 डायमंड हो चुके हैं जो कि इनफ है। और गाइस 1.17 में बहुत मतलब आसान हो गया है डायमंड मिलना, लेकिन लोग तो बोलते हैं मुश्किल हो गया, पता नहीं, क्योंकि 1.18 में बहुत मुश्किल है, 1.17 फिर भी आसान है। तो अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पूरा हम लोग ये देखो हम लोग को कितना ज़्यादा एरिया माइन कर चुके हैं हम लोग, और वो भी गाइस वो मैंने आपको पूरा ही दिखाया, वो भी मैं आधे से आ गया, वहाँ पर मैंने कॉबल स्टोन लगा दिए थे कि वहाँ पर बहुत बड़ी केव है। और गाइस यहाँ पे हम लोग का ये एरिया तो आ चुका है। और गाइस अभी मुझे एक चीज़ याद आई कि मैंने अभी अभी तक वाटर बकेट तो बनाई थी और मेरे पास इतने सारे डायमंड हो चुके हैं। तो गाइस अभी हम लोग सबसे पहले ऊपर चलते हैं और फिर ऊपर चल के वाटर बकेट भी बनाएंगे और अपना डायमंड आर्मर और डायमंड के टूल्स पहले ही हार्ड कोर के एपिसोड में बना लेंगे। तो गाइस अभी हम लोग सबसे पहले ऊपर चलते हैं। तो गाइस फाइनली पिछली रात में ऊपर तो आ चुका था और मैंने ऊपर आके जो है रात यहाँ पे जो है मैंने थोड़ी सी अपनी इन्वेंटोरी खाली करी यहाँ पे, और मैं यहाँ पे रात हो गई थी तो बहुत सारे मॉब आ गए, फिर मैंने थोड़ा बहुत उनको मारा बेटा, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया और फिर मैं सो गया। और अभी भी उठ के देखा तो मैंने बोला रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही है। तो गाइस हमारे पास 46 डायमंड है, तो अब हम लोग इसका डायमंड आर्मर बनाते हैं। तो गाइस हमने पहले ही एपिसोड में अपना डायमंड आर्मर बना लिया है यहाँ पे, और क्या स्वॉर्ड भी बनानी है, हाँ हमें ये हमारी स्वॉर्ड बन गई है। और क्या होता है, और थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारा हेलमेट भी बन गया है, हमारे पास पूरा डायमंड का आर्मर तो आ चुका है गाइस। एक मिनट शील्ड नहीं, हमें एक्स बनानी है और एक शवल भी बनाई लेते हैं गाइस। मैंने थोड़ी सी वुड भी तोड़ ली थी ताकि मैंने थोड़ी स्टिक जमा कर लूँ, और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो डायमंड की पिकैक्स होती है वो तो बनाई नहीं मैंने। तो गाइस अभी क्या नाम है, मैं पूरी इन्वेंटरी खाली करता हूँ, ये फालतू की चीज़ें जो है सब इसमें डाल देते हैं। वैसे ज़्यादा भरी भी नहीं क्योंकि मैंने रात में खाली कर ली थी अपनी इन्वेंटरी। और यहाँ पे मैं अपना आयरन का आर्मर तो उतारने मिल गया, यहाँ पे आयरन का आर्मर उतार के, और फिर गाइस हम लोग पहले ही एपिसोड में हार्ड कोर के हम डायमंड का आर्मर अपने ऊपर पहन रहे हैं। और गाइस हमने पूरा डायमंड का आर्मर पहन लिया है, और गाइस हमारे पास पूरे के पूरे डायमंड के टूल्स भी हो चुके हैं। देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा हूँ मैं डायमंड के टूल्स और डायमंड के आर्मर के साथ। तो गाइस हमने पहले ही एपिसोड में डायमंड का आर्मर तो बना लिया। और गाइस अब आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे न्यू सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हार्डकोर की ऐसी बहुत ज़बरदस्त वीडियोज़ आने वाली हैं और भी, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो जब तक के लिए बाय बाय।